मधुबनी मधेपुर प्रखंड मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर महपतिया पंचायत के वार्ड नंबर 1 कोरियाधार टोली में रविवार की दोपहर को अपराधियों ने धारदार हथियार और गोली मारकर 35 वर्षीय ललन कुमार यादव की हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी गांव वाले ने रविवार की देर शाम थाना को दी, जिसके बाद डीएसपी आशीष आनंद, झंझारपुर इंस्पेक्टर महफूज आलम, थाना अध्यक्ष मनोज कुमार दलबल के साथ सोमवार को घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए। वहीं डीएसपी आशीष आनंद ने कहा कि घटना की हर बिंदु से जांच हो रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि युवक की हत्या गोली लगने से हुई है या हथियार के वार से। हत्यारा जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। मृतक की मां ने बताया कि रविवार दोपहर जमीन की नापी का काम चल रहा था, इसी बीच गांव के ही एक युवक के द्वारा गोली चला दिया गया। गोली मेरे बेटे ललन कुमार यादव के पेट में लग गया था, जिससे हम लोगों ने आनन फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सह रेफरल अस्पताल मधेपुर में भर्ती कराया, जहां पर ललन कुमार की स्थिति बहुत खराब था। वहीं अस्पताल में पोस्टिंग डॉक्टर अंजुम हाशमी ने प्राथमिक उपचार करने के बाद हालात गंभीर देखते हुए ललन यादव को डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया, जहां बीती रात लगभग 1 बजे के आसपास ललन यादव ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं ललन यादव की मां ने बताया कि मेरा बेटा का हत्यारा जमीन विवाद में हुआ है। वहीं घटनास्थल पर काफी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, जबकि भेजा थाना प्रभारी ने घटनास्थल पर 2 चौकीदार की तैनाती कर दी गई है। वहीं परिजन का हाल तो रोकर बेहाल है। वहीं थाना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या है मामला सर? आपसी जमीन का मैटर था। यहाँ पर मंगल यादव और भुवनेश्वर यादव जी के बीच जमीन को लेकर के विवाद चल रहा था और उस पर पंचायत भी बुलाई गई थी। कई लोग बैठे हुए थे और अमीन भी नापी के लिए यहाँ आया गया था। इसी क्रम में उनके द्वारा कुछ बाहरी व्यक्तियों को बुला करके हमला किया गया, जिस पर एक फायरिंग भी की गई और उस पर एक आधे बच्चे की डेथ भी हो गई है डीएमसीएच में, और यहाँ भी आगे की कार्रवाई की गई। कल यहाँ थाना अध्यक्ष भी पहुँचे थे। इस स्तर पर हम लोग के द्वारा अग्रतर कार्रवाई के लिए हम लोग खुद पहुँचे हैं। सभी लोगों का बयान भी लिया गया और बहुत शीघ्र गिरफ्तारी भी होगी और बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। पुलिस सर कहाँ तक पहुँची अभी तक? पुलिस अभी तक जस्ट बयान हुआ है और जो लोग एक इंजर्ड हैं वो भी डीएमसीएच में ही है और आगे की तहकीकात में सारा कुछ क्लियर है। इसमें इन्वेस्टिगेशन की क्या जरूरत है, सारा कुछ क्लियर है। जो जो लोग थे, कई प्रत्यक्षदर्शी यहाँ उपलब्ध हैं, उनके द्वारा भी वही बयान दिया गया है और हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। सर एक छोटी सी जमीन के मामला में एक पति का पत्नी का सुहाग गुजर गया, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, इस पर ये जमीन का मामला था और सीओ साहब हमारे साथ हैं, इसलिए उनको लेकर के भी आए थे हम लोग, साथ ही हम लोग अभी थे। उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि जो मामला था वो उनके लिए दोनों पक्षों को कोर्ट में जाना चाहिए था, लेकिन एक के तरफ से यह कार्रवाई करेगी। निश्चित है यह क्राइम का पार्ट है और इसलिए जो जो क्रिमिनल है उन पर लीगल कार्रवाई होगी। नहीं तो सर, जमीन का मामला पहले से चल रहा था तो पुलिस पहले क्यों कार्रवाई नहीं की? नहीं, पुलिस के पास इसमें इनके द्वारा बताया जा रहा है कि नापी का मामला था और इसके लिए सक्षम न्यायालय के पास जाना था। ये मैटर सीओ साहब के संज्ञान में भी नहीं थी, ये बात पर हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। लेकिन सर यहाँ तो पब्लिक बता रहा है कि जमीनी मामला में, यदि इस स्तर पर ये हमारे पास कोई प्रूफ देंगे तो फिर हम पूछताछ करेंगे। कितने लोगों की मौत हुई है सर अभी तक? एक। पुलिस के द्वारा कोई गोली खाली खोखा भी बरामद नहीं? पुलिस का कल इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, वो हम लोग को उपलब्ध हुआ है।